तो कैसे बिना बजट प्लानिंग के इस घर में लगे 40 लाख एक्स्ट्रा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप बजट प्लानिंग। तो आइए चलते हैं इस जर्नी के सेकंड होम में, जो कि है कोटा राजस्थान में। सर, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और इसी फील्ड से हूँ, सिविल फील्ड से। तो मॉर्निंग सबसे पहले उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ना, देन फिर रेडी होके ऑफिस जाना, फिर इवनिंग में सेवन ओ क्लॉक घर आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली वाइफ जो है, हाउस वाइफ है और डेवोटीज हैं, तो वो एटलीस्ट उसके लिए स्पेशली मुझे डिजाइन चाहिए था, इसलिए मैंने सर से हेल्प मांगी, रिक्वायर किया। ऑफकोर्स मैं तो बहुत महीने में, शायद दिसंबर में मैंने फॉर्म फिल किया था, मैं वेट कर रहा था मनीष सर आएंगे, हमको सेलेक्ट करेंगे, नहीं होता तो भी मनीष सर से स्पेशली जाके मिलता, क्योंकि मेरी जो इशूज हैं मैं चाह रहा था उनसे डिस्कस करना। तो मेरा लक है कि उन्होंने मुझे इस पर्टिकुलर विजिट के लिए सेलेक्ट किया। स्ट्रक्चर तक मुझे कोई इशू नहीं आया, स्ट्रक्चर तक मैंने किया क्योंकि मैं भी बेसिकली इंजीनियर हूँ। एंड अब मुझे इंटीरियर्स में मुझे लगता है कि अब आदमी वीडियोस देखता है, बहुत से शॉर्ट्स देखता है, इन चीज़ों को देखता है, बट उसको जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो वो मार्केट में वो चीज़ें या उस तरह के वर्क्स नहीं मिलते हैं, या किस तरह के डिजाइन करें, तो ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग करने जाएंगे तो मेसी नहीं हो जाए और कुछ ज़्यादा हैवी नहीं हो जाए। तो किसी एक्सपर्ट्स की राय मिले कि हाँ इसमें उसको चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या हमने कुछ पिक्स या इमेजेस जो हमारे माइंड में है या हमने सेलेक्ट की हुई है, उस पर उनकी ओपिनियन हो कि हाँ इसको हम इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अनिल जी के घर, जो कि है हदारनी सर्कल के पास कोटा में। तो आइए सॉल्व करते हैं इनकी प्रॉब्लम्स को, लेकिन ध्यान रखना प्रॉब्लम नंबर 2 जरूर सुनना, क्योंकि उसे सुनने के बाद हमारे और अनिल जी दोनों के होश उड़ गए थे। चैप्टर 1। तो पहले आती है प्रॉब्लम नंबर 1, डबल हाइट, जिसके लिए अनिल जी ने हमें स्पेशली यहाँ बुलाया था। तो जैसे मैंने इनकी डबल हाइट को देखा, मुझे ये लगा कि यार ये पीछे जो वॉल का एक गैप आ रहा है, यहाँ पे एक नया अमेजिंग डिजाइन करता हूँ, और एकदम से मेरे माइंड में कुछ डिजाइन बनने रेडी हो गए। तो जैसे ही मैंने इसकी स्केचिंग स्टार्ट करना शुरू किया, मुझे लगा यार कुछ ग्रीन का एलिमेंट भी अगर हो जाए तो मजा ना आ जाए। तो सब कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे लगा तो करते हैं इनका डबल हाइट डिजाइन, जो दिखेगा कुछ ऐसा। और यार वीडियो रोको, बताओ कैसा लगा, कमेंट करके बताओ। प्रॉब्लम नंबर 2, द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो डिजाइन करते करते मैं चल ही रहा था और मैंने अनिल जी से पूछा कि चलो हम डिजाइन की तो बात कर रहे हैं, अनिल जी एक बार मुझे बजट बता दो, क्योंकि मुझे लगा कि इतने बड़े घर में अच्छा खासा बजट तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे जो इनका बजट निकला वो निकला 25 लाख, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने घर में 70 लाख लगा चुके थे, तो इनके पास बचे थे 25 लाख। और यहाँ मेरे होश उड़ गए और साथ में मैंने अनिल जी के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि इस घर में 25 लाख में कंप्लीट इंटीरियर होना इज इम्पॉसिबल। बट जैसा कि आप जानते हैं कि हम बजट आपका डिजाइन हमारा के तहत इनका हम कुछ ना कुछ ऐसा डिजाइन कर ही देंगे जो सुंदर लगेगा। लेकिन पॉइंट ये था, ये क्यों हुई और इसका सॉल्यूशन हमने कैसे दिया वो जानते हैं। प्रॉब्लम ये इसलिए हुई क्योंकि इनके आर्किटेक्ट ने इन्हें बोला कि स्ट्रक्चर प्लस इंटीरियर 400 स्क्वायर यार्ड के घर में 60 लाख में हो जाएगा। तो इन्हें लगा कि चलो 60 या 70 लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, इनके कॉन्ट्रेक्टर ने भी यही जवाब दिया कि हाँ 70 में हो जाएगा शायद, बट द पॉइंट इज कि इन्होंने कोई प्रोफेशनल टीम को हायर नहीं किया, इन्होंने सोचा ठीक है लोग बता रहे तो हो ही जाएगा। तो बिना ड्राइंग के, सिर्फ फोटोज के बिहाफ पे इनका बजट बनाया गया, जो 60 लाख में इनको बताया गया कि इतने में हो जाएगा। लेकिन इसलिए कहते हैं कि आप जब भी घर बनाओ हमेशा पहले डिजाइन एंड प्लानिंग होती है, इसलिए हमारे डिजाइनर्स जब भी आपसे डिजाइन करते हैं सबसे पहले आपका बजट पूछते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम इज एस्टिमेशन, प्रॉपर बजट प्लानिंग। तो अब मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि बजट प्लान कैसे करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर 2। तो यहां पे मैंने आपके लिए एक स्पेशल एक्सेल शीट तैयार करी है, जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी लगे हुए हैं। करना कुछ नहीं है कि आपके घर का जितना भी एरिया है जो मेजरमेंट्स होगी वो करनी है, और आपको इस शीट में सिर्फ एरिया भरते चले जाना है और सारे के सारा बजट आपके घर का अपने आप बन के रेडी हो जाएगा। अब ये शीट जो बनी है ये मैंने उस हिसाब से लिया है, जैसे कि अगर आपका घर रॉ फ्लैट है, मतलब कि अंदर ना टाइल है, ना फॉल सीलिंग है, ना पेंट है, ना वायरिंग है, कुछ भी नहीं है, तो हमने उस हिसाब से इसको पकड़ा है। तो अब हम यहां मान के चलते कि हमारा बेसिक बजट जो मिनिमम हमारे इस घर में कितना लगेगा ही लगेगा वो हम डिसाइड करते हैं, और जो पैसा हमारे पास बचेगा वो होगा हमारा इंटीरियर्स का एक्चुअल पैसा। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोलिशन की। मैं आपको शीट यह समझाते चलता हूं। जैसे मिनिमम बजट रिक्वायर्ड फॉर रॉ फ्लैट फॉर सेमी लग्जरी फील, मतलब कि ना लो ना ज्यादा हाई, बीच भी का हमने पकड़ लिया है। और ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो आपको यूट्यूब पे भी दिख रहा होगा, उसे दबा दो। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें लिखा सीरियल नंबर, स्कोप ऑफ वर्क, यूनिट मतलब कि किस चीज में मेजरमेंट करने वाले हैं, क्वांटिटी, रेट पर स्क्वायर फीट,
टोटल अमाउंट एंड रिमार्क्स। सबसे पहले बात करते हैं डेमोलिशन। डेमोलिशन का मतलब हो गया कि तोड़फोड़, कि घर में अगर कोई तोड़फोड़ है तो हम इसको लमसम में लेते हैं, स्क्वायर फीट में नहीं होता। तो क्वांटिटी हो गई एक, रेट स्क्वायर फीट हमने 30,000। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेमोलिशन जो है एक घर में मिनिमम 30,000 से लेकर मैक्सिमम 1,00,000 तक की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी पकड़ लिया 30,000 रुपए। अब आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे इस ही सेल में पर्टिकुलरली एडिट कर सकते हो। उसके बाद होगा डेमोलिश मलबा, मतलब कि जो तुड़ाई हुई है उस तुड़ाई डेमोलिश मलबा को आपको बाहर फेंकना पड़ेगा, जो जाएगा ट्रॉली में, क्योंकि एनजीटी के कुछ रूल्स होते हैं। उसका जो बेसिक अमाउंट जाना है, जो सरकार के पास जाना ही जाना होता है, वो हो गया इतना जो मैंने ऑलरेडी यहां ऐड कर दिया है। अब आपके घर में तुड़ाई फड़ाई थोड़ी है, ज्यादा है, मिनिमम 3 ट्रॉली तो हर एक फ्लैट से निकलता ही निकलता है, राइट। उसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं वापस से। ये इसको अब आप चाहो तो 0 भी कर सकते हो या 1 ही रहने दे सकते हो, अगर आपके घर में कोई भी नई दीवार बननी है, टूटनी नहीं है। नेक्स्ट होता है प्लंबिंग वर्क। अब देखो, इतने सारे काम का आप स्क्वायर फीट रेट लगाने बैठोगे तो बहुत आपका नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली एक घर में चिपिंग रिमूवल, मतलब पुराना बाथरूम है तो उसके टाइल को निकालना, फिर रीप्लास्टर, फिर नए पुराने पाइप्स निकालना, नए डालना। रेट जो एक बाथरूम में खर्चा आता है वो होता है करीब 1,00,000 से लेके 1,20,000 रुपए का, और साइज होता है 36 स्क्वायर फीट से लेके 55 स्क्वायर फीट बाथरूम का। डी आता है इलेक्ट्रिकल। कारपेट एरिया क्या होगा, जिसके अंदर आप रहते हो, जो दीवार के अंदर आपका घर होता है एक्चुअल। सपोज करो मेरा जो कारपेट एरिया आता है वो होता है 900, ये मैंने लिखा 900, और ये हो गया कि 1,35,000 में मेरे घर में ये सारी चीज मेरा इस अमाउंट में हो जाएगा। अब चलो मैं इसको एग्जांपल से भी लेके चलता हूं। सपोज करो मेरी दो दीवार यहां टूटनी थी, इसको मैंने पकड़ लिया 200 स्क्वायर फीट, मलबा 3 ट्रॉली ही निकलेगा, ये भी थी मेरी 10 स्क्वायर फीट। सपोज करो बाथरूम मेरे पास एक ही रेनोवेट होना था। अगर ध्यान से देखोगे तो स्विच सॉकेट देखोगे वो भी अलग से आएंगे, तो 50,000 के आसपास के स्विच सॉकेट अलग से आ जाएंगे। फॉल सीलिंग, अब भाई मैंने आपको क्या, वैसे फॉर्मूले बहुत से लगते हैं, बट एक घर में कारपेट एरिया का 60% का तो फॉल सीलिंग होता ही होता है। ये मैं लगा लो 17 साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको। अगर मैं कैलकुलेटर यहां से खोल लूं तो ये हो गया कारपेट एरिया, हमने लिया था यहां पे कितना 1500, तो 1500 पे अगर मैं जाऊं 1500 का 60%, तो ये हो गया 900। तो मुझे यहां पे डाल देना मेरे जो घर में फॉल सीलिंग का मोटा मोटा एरिया आएगा वो होगा 900। अब अगर आपके घर में आप पुट्टी कराने वाले हो तो आप इस पर्टिकुलर पूरे पॉइंट को 0 भी कर सकते हो। ये मैंने सेमी लग्जरी रखा है इसलिए मैंने पीओपी पकड़ा है, अदरवाइज इसको 0 भी कर सकते हैं। फिर होता है चौक मिट्टी का बेस, क्योंकि अगर घर में रॉयल पेंट हो रहा है तो ये करना तो बॉस बहुत जरूरी है। कारपेट एरिया का 2.5, मतलब कि ये मैं गया कारपेट एरिया को मैंने यहां पे लिखा 1500 × 2.5, तो ये हुआ 3750। तो यहां हम करेंगे 3750। अब किचन देख रहे हो, ऑन एन एवरेज बिल्कुल अल्ट्रा रिच लग्जरी स्मूथ की किचन अगर हम लेते हैं, पहले किचन का डिजाइन देखो, टीवी यूनिट भी चाहिए तो एक घर में हमारा टीवी यूनिट भी होगा, तो सेमी लग्जरी की बनानी है तो 20,000 के आसपास टीवी यूनिट बन जाता है। उसमें मेरे 19,00,000 रुपए लग चुके हैं। तो ये मैंने बात करी कि 1500 स्क्वायर फीट का घर है। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसमें जो रेट्स हैं वो मैंने ज्यादा लिए जान पूछ के, कि अगर पैसा ज्यादा है और कम लगे तब तो ठीक है, लेकिन कम है और ज्यादा लग जाए तो हम फंस जाते हैं। तो इसलिए मैंने रेट थोड़े से ज्यादा ही पकड़ के चले हैं इसमें, जिससे कि हम कहीं से भी फंसे ना। और इस तरीके से आप ये सारी चीजें कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको ये शीट चाहिए तो आपको बस पहले जाना है यूट्यूब चैनल पे, आपको करना है हमें सब्सक्राइब, उसका खींचना एक स्क्रीनशॉट, फिर जाना है आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, हमें करना है वहां पे अपनी स्टोरी में टैग और लिखना है #makingindiabeautiful, और फिर हम आपको ये फाइल आपके इंस्टाग्राम पे भेज देंगे जिसमें करीब 40 के आसपास फॉर्मूले लगे हुए हैं। एंड दैट्स इट। तो सब्सक्राइब करो और फ्री में ले जाओ, क्योंकि ये 17 साल की मेहनत है भाई। तो इनका बजट जानने के बाद कैसे हमने इनके घर को फटाफट डिजाइन किया, जानते हैं कुछ क्विक डिजाइन टिप्स से। चैप्टर 3, फर्स्ट टिप। अब जैसा कि अनिल जी के घर में जो ड्राइंग रूम था वो बिल्कुल सेपरेट था नॉर्मल गेस्ट के लिए, तो हमें यहाँ पे ज्यादा खर्चा ना करते हुए इसको देनी थी एक लग्जरी लुक। तो यहाँ पे हमने यूज किया अपना व्हाइट थीम इंटीरियर, जो की वीडियो बनी हुई है। इनका जो ड्राइंग रूम बना वो दिखा कुछ ऐसा। टिप नंबर 2, अब अनिल जी के बेडरूम से बैकयार्ड की जो वॉल है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस वॉल को ऐसा बना दिया जाए कि जब बेडरूम से अंदर कोई लेटे और जब बाहर की तरफ देखे तो वो लगे कुछ अमेजिंग। तो यहाँ हमने प्ले किया बजट के हिसाब से मल्टीपल वॉल पैनल लाइट से, जिसका खर्चा आया कुछ 5,000 से 6,000 रुपए, और इनकी बैकयार्ड की वॉल जो है वो कुछ दिखी ऐसी। टिप नंबर 3, अब अनिल पोखरा जी के घर के सामने से हमें दिख रहा था एक सुंदर सा पार्क, तो हमने डिसाइड किया कि बालकनी को देते हैं ऐसी फील कि जब वो अपना प्राइवेट टाइम या अपना मी टाइम अपनी फैमिली के साथ वहां गुजारे तो बालकनी के साथ साथ पार्क का भी व्यू एंजॉय कर सके, तो इनकी जो बालकनी वो दिखी कुछ ऐसी। टिप नंबर 4, तो अगर आपके घर में सीलिंग की हाइट कम है या गीजर वॉल पे आने वाला है तो हमेशा कोशिश करो कि गीजर जो है वो डोर के ऊपर आ जाए, एंट्रेंस डोर के ऊपर। रीजन कि जब हम दरवाजा खोलें तो हमें क्लीन लुक आए अपनी टाइल्स का और सैनिटरी फिटिंग्स का। तो ये थे कुछ अमेजिंग डिजाइन टिप। अब जानते हैं कुछ टेक्निकल ट्रिक्स। चैप्टर 4,
टिप नंबर वन। अब यहाँ पे अनिल जी ने अपने घर में जो वार्डरोब की शेल्फ थी उनकी हाइट कर दी कुछ एक फुट से ज्यादा। इससे गलती क्या होगी कि जब भी आप अपने घर में कपड़े एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे और एक फुट हाइट तक लेके जाएंगे तो वो लेफ्ट या राइट की तरफ ऑटोमेटिकली गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपने भी प्रॉब्लम फेस करी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो हमेशा किसी भी वार्डरोब में शेल्फ की हाइट आपको 6 या 8 इंच से ज्यादा नहीं रखनी है। टिप नंबर टू, हम अक्सर जब लेज वॉल या किसी भी कॉर्नर पर टाइल लगाते हैं तो उसके एजेस को या तो ओवरलैप कर दिया जाता है या तो 45 डिग्री कट करके मिलाया जाता है। 45 डिग्री कट को मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो इजीली टूट सकता है और ओवरलैपिंग बहुत गंदा लगता है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमें लगानी है एल कॉर्नर की प्रोफाइल जो आती है अमेजिंग फिनिश में, जैसे कि रोज गोल्ड, ब्लैक, कॉपर फिनिश, और आपकी लेज वॉल जो है वो भी दिखेगी कुछ ऐसे। टिप नंबर थ्री, किचन सिंक में जो डाइवर्टर लगाया गया था उसकी हाइट काफी नीचे थी, क्योंकि जब बर्तन हम धोएंगे, बर्तन निकालेंगे तो ये इतना तो यही बाहर आ जाएगा। हाँ। और बर्तन जब निकालोगे तो इसमें टकराएगा, तो या तो इसकी हाइट ऊपर कराओ। हम बेसिकली सिंक में फ्लोर माउंट वाला देते हैं सो दैट कि उसका हैंडल ऐसे निकलता है और उसको आप इधर घुमा लो फिर इधर घुमा लो। तो ये थी कुछ अमेजिंग टेक्निकल टिप्स, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, चैप्टर 5। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हर एक सिटी से मैं आपको एक ऐसा शोरूम जरूर दिखाऊंगा जहां पे होता है ना पिंटरेस्ट, इंस्टा पे आप फोटोज वगैरह तो ले लेते हैं, लेकिन ये कौन बताएगा कि मटेरियल मिलेगा कहां पे? तो मटेरियल मिलेगा भाई बी टिम्बर के अंदर जहां पे हम आए हुए हैं। और यहां पे आपको कम से कम 18 टाइप की वैरायटीज मिलने वाली है, जैसे कि 10x4 की लेमिनेट, 8x4 की लेमिनेट, फ्लूट लेमिनेट, फ्लूट एक्रिलिक। फ्लूट ग्लास महंगा आता है लेकिन उसका ऑप्शन क्या हो गया, फ्लूट एक्रिलिक, दैट्स राइट। उसके बाद आपको वुडन फ्लोरिंग, लूवर्स, चारकोल पैनल, डब्ल्यूपीसी पैनल, उसके बाद आपकी वॉल ट्रिम्स, वेन्सकोटिंग, मतलब ये सारे आइटम्स जो है वो आपको एक अंडर दी रूफ मिलने वाले हैं। तो अब यहां से सीधी बात करते हैं भाई, डिस्काउंट विस्काउंट चलो वो बाद में कर लेंगे, पहले जरा शोरूम की आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देते हैं और शोरूम थोड़ा सा आपको घुमा देते हैं, ठीक है? तो चलते हैं। ये स्टोन वीनियर है, नया आया है मार्केट। अच्छा, अरे वाह, नाइस नाइस। सबसे बड़ी बात है इसको आप डायरेक्ट वॉल पे लगा सकते हैं। वॉल पे लगा सकते हैं, डायरेक्टली लग जाएगा, मतलब कुछ अलग से। तो इसके लिए फिर क्या, मतलब कोई स्किल्ड लेबर चाहिए या कारपेंटर लगा देगा? नॉर्मल कारपेंटर लगा देगा। और इसको लगाया कैसे जाएगा, मतलब कोई केमिकल आता है अलग से या कुछ ऐसा? स्टोन वीनियर को ब्लैक सिलिकॉन से लगा सकते हैं, ब्लैक सिलिकॉन से, लेटेक्स या पीवीसी प्रोबॉट से लगा। अरे वाह, नाइस। और इसके बेस में क्या होना चाहिए, मतलब पेंट होना चाहिए या प्लास्टर या पुट्टी या कुछ भी? कोई भी सरफेस चलेगा, सिलिकॉन लगाना है और ये चिपका देना। हां, जीरो लेवल की वॉल होनी चाहिए, बस जीरो लेवल की वॉल होनी चाहिए, नहीं तो वो दबक और वो लहर सी दिखाई देगी। ठीक है, नाइस नाइस। और क्या है हमारे पास? ये अभी नया आया है मार्केट में, एक्रेलिक फ्लूट। ये बताओगे कि इसका प्राइस रेंज किस अंदाजे के आसपास हो, तो ऑडियंस को पता चले कि यार ये जो अगर पैनल किसी को पसंद आ रहा है, 6500 का स्टार्टिंग है, तो मतलब 6500 में ये एक 8x4 की शीट हमें मिल जाएगी। और बस फिर ठीक है यार, वैसे बहुत सही चीज है। देखो, एक शीट है कॉस्टली है 6500, लेकिन आपका प्लाई पैनलिंग का बजट बच गया, आपकी कारपेंटरी की जो हाईफाई कारपेंटर है वो बच गए। सबसे बड़ी, फ्लूटेड ग्लास और फ्लूटेड लेमिनेट लगाना मुश्किल है दीवार पे, अगर जीरो लेवल में, मतलब कि कोई लहर नहीं है, आप सीधे दीवार पे लगा सकते हो। तो बेसिकली इस शोरूम में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि यार एक्चुअली हमारे पास लेमिनेट, और जब इस चीज़ें सेलेक्ट करते हैं हमारे मन में कन्फ्यूजन क्या रहता है कि वार्डरोब में बनने के बाद कोई चीज़ कैसे दिखाई देगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे लेमिनेट की जो पेस्टिंग करी गई है इसी हिसाब से कि बने बनाए पल्ले ही दिख जाएँ कि यार बनने के बाद कुछ लगेगा कैसा। तो वन बाय वन अगर मैं देखूँ तो बेसिकली ये एक मैनुअल बना दिया देखने के लिए कि एक्चुअली इसकी फील कैसे आने वाली है। तो आज आ गए हम बी टिम्बर में और जिनके ओनर से मैं आपको डायरेक्टली मिलवाने वाला हूँ, जिनका नाम है कमल बनानी। तो कमल जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अलाउ किया यहाँ पे शूट करने के लिए। तो वैसे तो हमने काफी एरिया घूम लिया था, बट फाइनली हमें जो जगह मिली वो ये मिली और यहाँ पे सर ने हमें अलाउ किया कि आप हमारे शोरूम में शूट कर सकते हो। अच्छा सर, अब मेरे आपसे कुछ क्विक सवाल है, बस आप वो बताते रहिए। तो सर एक चीज बताइए कि मान लो कोई आपको ऑर्डर प्लेस करता है जयपुर से और वो यहाँ नहीं आ सकता, कॉल पे आपने उसे कैटलॉग भेज दी, तो क्या आप जयपुर में भी वो चीज आप प्रोवाइड करा सकते हो? करवा सकते। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी या एडवांस?
जाएगा? एडवांस एडवांस आएगा। तो कितना, जैसे अगर मान लो किसी को 50,000 का आइटम है, 1,00,000 का आइटम है, तो कितना एडवांस और कितना बाद में, या फुल एडवांस? 50% एडवांस और बाकी 50% यहाँ से लोड होके जब निकलने पे। ठीक है। और अगर कोई आपको ऑर्डर देता है तो वो हम डिलीवरी टाइम, जैसे मैं आज आपके शोरूम आता हूँ, मैंने कोई मटेरियल लिया, तो उसका डिलीवरी टाइम क्या रहेगा, मतलब कितने दिन के अंदर अंदर हमें वो माल मिल जाएगा? 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 7 दिन। 2 से 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन, मतलब 7 दिन के अंदर कोई भी चीज आप इजिली यहाँ से अवेल कर सकते हो। और अच्छा, ये जो मटेरियल है इसमें कोई वारंटी, जैसे इसका कलर है तो ऐसा कोई नहीं कोई कलर फेड हो जाए या ऐसा कुछ होता है? वारंटी है 5 साल की 7 साल की 5 साल की और 7 साल की वारंटी है। लेकिन ध्यान रखना इंडोर आउटडोर का जरूर रखना, कहीं आप आउटडोर में लगा तो फिर वारंटी आपकी वॉइड हो जाएगी। अच्छा सर, अब जिसका ऑडियंस को सबसे ज्यादा इंतजार है कि अगर कोई यहां आता है और मेरा नाम लेता है तो उसको कितना डिस्काउंट फाइनल बिल पे आप दे पाओगे? 1 से 2% क्वांटिटी होगी तो देखेंगे। हाँ, क्वांटिटी होगी तो देख लेंगे यार, एक लेवल पे तो बात सही है, एक पैनल पे तो क्या ही डिस्काउंट होगा, बट हाँ कम से कम अगर 1,000 square feet एरिया के आसपास आप लोगे तो फिर डेफिनेटली आपको डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये था हमारा बी टिम्बर पे कमल बनानी जी के साथ एक एक्सक्लूसिव हमारा शोरूम विजिट। तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए, हमारा नाम लीजिएगा, आपको डिस्काउंट अवेल करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर। आप ऐसे आजा, अरे आजा, कुछ ऐसा नहीं है, अच्छा इसको लेना जरूर है। अच्छा, तो ये है कनिष्क कमल जी के अपकमिंग बिजनेसमैन लड़के। हेलो। तो अगर कमल जी डिस्काउंट ना दे तो इनसे आप अलग से बात कर लेना, तो हो सकता है 1-2% का डिस्काउंट ये भी अवेल करवा रहे। मजाक कर रहा हूँ, बट अगर कभी कमल जी नहीं मिले तो आपके लिए ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी अभी केटर किया। तो दैट्स हम्बल नेचर टुवर्ड्स द ऑडियंस एंड टुवर्ड्स द कस्टमर, दैट्स अ मेन USP ऑफ बी टिम्बर्स। थैंक यू सो मच। चलो सर, थैंक यू सो मच। ओके भाई, चैप्टर 6। तो गाइस, वैसे तो अब थक के हम घर जा रहे थे, बट एक मस्त अमेजिंग चीज दिखी कोटा में। मैं पिछली बार जब कोटा था ऐसी कोई चीज तो मिली नहीं थी, लेकिन ये रिवर फ्रंट के नाम से बाहर जो ग्राफिक्स हैं और जो मतलब बढ़िया चीज मुझे दिखी यार, बहुत अमेजिंग है। और अभी 8:30 हो चुके हैं, 10:30 तक का लास्ट टाइम है, और ये इतनी बड़ी स्पेस है कि पता नहीं एक बार में कवर हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये खरीद लिया हमने यश के राज में। ये गोल्फ कार्ट का प्राइस है पर पर्सन 200 रुपये। गोल्फ कार्ट एक ले लो तो उसी के अंदर हमारा पूरा खर्चा है 400 रुपये का, टिकट आई 600 रुपये की। और मेन मुझे देखना है वो वाला, क्योंकि मैं बैक से देख पा रहा हूँ। और ये है चंबल माता जी की मूर्ति। ये 3.25 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है, मतलब 3.25 जाना और 3.25 आना। अच्छा, दूसरे घाट से देखें, खुली किताब पढ़ लिखी है, खुली किताब रखी हुई है। अरे वाह, नाइस यार, बहुत सही चीज बता रहे हैं। यहाँ से देखना भाई, बिल्कुल सीढ़ियां लगेगी। हाँ, यहाँ से सीढ़ियां देखेंगे। अरे वाह, आई होप गाइस आपको अनिल जी का घर अच्छा लगा होगा। हमने पूरी कोशिश करी अनिल जी के घर को बनाने की, अनिल जी के घर को सुंदर बनाने की, और बजट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे घर का जो एक्चुअल बजट होना चाहिए था वो करीब 50-65 लाख होना चाहिए था, और इसको हमने जो रेडी किया है वो पूरे 35 लाख में किया है। तो कौन कहता है बजट एक कॉन्स्टेंट है डिजाइन में, लेकिन बजट आपका डिजाइन हमारे का मतलब है, बजट आपका तो डिजाइन हमारा, कोई डिजाइन आपका नहीं, क्योंकि बजट के साथ प्ले करना एक कला है जो इंटीरियर कोच टीम को बखूबी आती है। आपको अगर अच्छा लगा, मिलते हैं और भी ऐसी अमेजिंग स्टोरी में। वी आर ऑन अ मिशन मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल, एंड यू आर वॉचिंग इंटीरियर रूटीन एंड यू।